ये दिखाइए इस तरीके से लगाते हैं, नीडल लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल सेक्टर 27 नोएडा में, जो कि पड़ता है अट्टा मार्केट के बैक साइड में, नोएडा अंडरपास के बिल्कुल पास में। जहां से नोएडा अंडरपास खत्म हो रहा है बिल्कुल उसके बराबर में ही आप देखेंगे आपको विनायक हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो आपको दिखाते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, बताते हैं, जानकारी देते हैं, दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में। रिसेप्शन एरिया में बहुत ही स्पेस मिलेगा आपको, यहाँ पे वेट करने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगा। यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर भी बना हुआ है और यहाँ रिसेप्शन से जुड़कर आपको मिलता है इमरजेंसी एरिया। आपको लेकर चलते हैं इमरजेंसी में। देखिए, यहाँ पे हमेशा डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और जो भी क्रिटिकल पेशेंट आते हैं वो पहले इमरजेंसी में आते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी में प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगी और इमरजेंसी में प्राइवेसी के लिए आपको कर्टन्स वगैरह भी प्रॉपर मिल जाते हैं। तो जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं उनको यहाँ पर सभी। तो दोस्तों, ये है विनायक हॉस्पिटल का माइनर ओटी एरिया। यहाँ पर छोटे मोटे केसेस हैंडल किए जाते हैं, बाकी इनका ओटी एरिया ऊपर बना हुआ है। जो मेजर केसेस होते हैं वो ऊपर देखे जाते हैं। दोस्तों, विनायक हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर आ गए हैं हम। यहाँ पर पता करते हैं कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और ओपीडीज की टाइमिंग क्या होती है, पर्चा किस तरीके से बनता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ओपीडी का टाइमिंग क्या होता है? मीटिंग की 9 to 9। और यहाँ पे हर टाइप के डॉक्टर्स मिल जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं सारे। दोस्तों, विनायक हॉस्पिटल में ओपीडी बेसमेंट में लगती है और ओपीडी के टाइमिंग 9 AM to 9 PM है। विनायक हॉस्पिटल में आपको सभी कंसल्टेंट डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको लेके चलते हैं बेसमेंट में, जहाँ पे विनायक हॉस्पिटल की ओपीडीज लगती हैं। तो दोस्तों देखिए, यह है विनायक हॉस्पिटल का ओपीडी एरिया। बहुत ही स्पेशियस स्पेस है। यहाँ पर सभी प्रकार के कंसल्टेंट डॉक्टर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एक अलग से ओपीडीज के लिए रिसेप्शन यहाँ दे रखा है। किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए तो आप रिसेप्शन एरिया में आके हेल्प ले सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि विनायक हॉस्पिटल 104 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और NABH से अप्रूव्ड है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं लैब एरिया में, जो कि ओपीडी के बिल्कुल बराबर में है, बेसमेंट में। यहाँ पर आपको मिलेंगे सीटी स्कैन, एक्सरे, इको और अल्ट्रासाउंड। एरिया बहुत ही अच्छा बना हुआ है, वेटिंग के लिए बहुत प्रॉपर स्पेस है। यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा है, तो कोई भी टेस्ट के लिए आप यहाँ पर आते हैं तो भीड़ भड़का और परेशानी आपको नहीं देखनी पड़ेगी। विनायक हॉस्पिटल में सभी प्रकार के पैथ लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, ECG, CT स्कैन, डायलिसिस, सभी प्रकार के टेस्ट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर, दिखाते हैं अल्ट्रासाउंड में कितनी साफ सफाई है, कितना स्पेशियस है। तो देखिए दोस्तों, अल्ट्रासाउंड रूम एकदम साफ सुथरा है, ये मशीन लगी हुई है, इतना स्पेशियस है और आप यहाँ पर प्रॉपर प्राइवेसी में अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। हम आ चुके हैं CT स्कैन रूम में। यहाँ CT स्कैन लगी हुई है, इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। भैया, कितनी पावर की मशीन है? 60 स्टेप्स की। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल के डायलिसिस रूम में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी पेशेंट्स की डायलिसिस हो रही है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है, क्यों की होती है डायलिसिस? यहाँ हम इनसे भाई साहब से पूछते हैं। मैं आप ये किस टाइप की चीज़ें देखिए, ये इस तरीके की ट्यूब्स लगाते हैं डायलिसिस के लिए।
ये ऐसी नीडल्स लगती हैं पेशेंट को, इतनी सफरिंग से गुजरना पड़ता है। ये मशीन क्या काम करती है भाई साहब? बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का। बॉडी में जो भी टॉक्सिक और वेस्ट होता है उसको ये मशीन बाहर निकालती है। इस मशीन को आप देखिए किस तरीके से एक फिल्टर लगा होता है, इसमें फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर के थ्रू बाहर निकलता है सारा बॉडी वेस्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है भैया, थैंक यू। दोस्तों अभी हम हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, जो कि विनायक हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर है। आइए आप यहाँ के डॉक्टर से जानते हैं कि फिजियोथेरेपी के क्या क्या ट्रीटमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, किस टाइप के पेशेंट अभी आपके पास यहाँ पर? हर तरीके के रहते हैं, जैसे जिनको मेनली हड्डियों की दिक्कत है या जिनको नसों की कोई दिक्कत है। ठीक है, हड्डियों में जैसे कंधा जाम है, घुटनों में आर्थराइटिस है, जोड़ों में आर्थराइटिस की दिक्कत है, कमर की दिक्कत है, डिस्क की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं शियाटिका करके कहते हैं, एंकल में कोई मूच आ जाए या फिर आपका कोई हड्डी टूट जाए तो उसके बाद जोड़ जाम हो जाते हैं। बाकी कई बार न्यूरो की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ये पैरालिसिस, लकवा जो एक साइड का मार जाता है या मुंह पे एक साइड का लकवा मार जाता है, तो उस तरीके के पेशेंट्स को हम लोग डील करते हैं। मैम यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद में रिकवरी के लिए भी पेशेंट आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वही जैसे पोस्ट फ्रैक्चर हो गए उसके कंडीशंस में आ रहे हैं, या फिर अगर पेशेंट बेड रिडन रहे हैं तो धीरे धीरे अब वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आ रहे हैं, तो उस तरीके के पेशेंट्स को भी हम लोग वो करवाते हैं, मतलब एक्टिवेट करवाते हैं, और उनके जनरल डेली लिविंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स के अंदर हम लोग उनको हेल्प करते हैं और इनकरेज करते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। तो फिजियोथेरेपी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज अवेल होती हैं? मैम से हमने जाना, आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं अगले डिपार्टमेंट। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल के आईसीयू में, जो कि थर्ड फ्लोर पर है। तो आपको दिखाते हैं कितने क्रिटिकल पेशेंट्स आईसीयू में मिलते हैं। देखिए किस तरीके के क्रिटिकल पेशेंट्स यहाँ पर आईसीयू में होते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि विनायक हॉस्पिटल में सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स आईसीयू में अवेलेबल हैं, जो कि पेशेंट्स के इलाज में हेल्प करते हैं और पेशेंट को जल्दी रिकवर होने में मदद करते हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए आईसीयू में हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट और ख्याल रखते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर्स कितने आराम से डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं और उनको रिकवर हो। दोस्तों विनायक हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में हम आ चुके हैं, यहाँ पर अभी पेशेंट से ट्रीटमेंट चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा माहौल है, हर पेशेंट के लिए प्राइवेसी के ध्यान रखा गया है, बैठने के लिए हर चीज का अरेंजमेंट है, यहाँ पे सारी मशीन है, ये बहुत ही साफ सुथरा और अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ में आप यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। प्रॉपर शांति और क्लीनिंग, वेंटिलेशन, रोशनी बाहर की आपको मिल रही है अगर एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पेशेंट को और सुकून के साथ ट्रीटमेंट लेने में आसानी हो जाती है। हाँ तो ले रहे हैं। दोस्तों आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल की फार्मेसी पे, आइए मिलते हैं भाई साहब से और जानते हैं यहाँ पे क्या क्या दवाइयाँ मिलती होती हैं। यहाँ सारी तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, 24/7 हमारा चलता है ये। रात में कोई पेशेंट अगर दवाई लेना चाहते हैं तो? हाँ हाँ बिल्कुल मिलता है, मैंने देखा वहाँ से भी आपकी एंट्री है अगर विनायक हॉस्पिटल के बाहर से। नहीं, रात में वहाँ की एंट्री बंद होती है, रात में बाहर से एंट्री बंद होती है, आप अंदर आके ले सकते हैं विनायक हॉस्पिटल में। दिन में आपको दोनों तरफ से एंट्री मिलती है, आप विनायक हॉस्पिटल के बाहर से भी अगर दवाइयाँ परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से दूसरा गेट है फार्मेसी का, वहाँ से आके दवाइयाँ ले सकते हैं। सभी टाइप की दवाइयाँ मिल जाती हैं। क्या दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन लाना जरूरी है? कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एंटीबायोटिक वगैरह, अक्सर प्रिस्क्रिप्शन उसके लिए जरूरी होता है। तो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे तो भाई साहब को आसानी होगी आपको दवाइयाँ देने के लिए, बेहतर आपको दवाइयाँ मिलेंगी। तो आपको जो भी दवाइयाँ चाहिए आप आके यहाँ पे ले सकते हैं। धन्यवाद। तो हम आए हैं डॉक्टर फुरकान अली सर के पास में, जो यहाँ पे DMS हैं, और सर से हम पूछते हैं कि यहाँ पे OPDs में कौन कौन डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, टाइमिंग क्या है, और इस हॉस्पिटल के बारे में और जानकारी जो सर से हमें मिलती है वो आपको बताते हैं। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर फुरकान हूँ, डिप्टी MS हूँ विनायक हॉस्पिटल में, और
मैं विनायक हॉस्पिटल के बारे में बता दूँ, यहाँ ये 104 बेडेड हॉस्पिटल है, NABH एक्रेडिटेड है, और यहाँ पर OPD में सारे कंसल्टेंट सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट सारे बैठते हैं, जैसे MD मेडिसिन में डॉक्टर सौरभ चौधरी है, डॉक्टर मनोज मेहरा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और डॉक्टर वर्मा AK वर्मा है सर्जन है, यूरोलॉजी में डॉक्टर विजय शर्मा है, आई में दूसरी जो और कंसल्टेंट आई वाले आते हैं डॉक्टर SK सयाल हैं, स्किन में प्रोफेसर हैं वो ठीक, और ENT में डॉक्टर ये डॉक्टर विनाद बंसल बैठते हैं, मतलब हमें हर टाइप के डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मतलब न्यूरो है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी है, डायलिसिस है, डायलिसिस के अलावा आपको ये पूरा पल्मोनोलॉजिस्ट है, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट है यानी इको वगैरह ये सारा होता है, अल्ट्रासाउंड है, CT मशीन है, डायलिसिस यूनिट है, 20 बेड ICU NICU ये सारा है। ओके, किस फ्लोर पे है सर आपका ICU? ICU थर्ड फ्लोर पे है और NICU भी थर्ड फ्लोर पे है। ओके सर, आपके यहाँ पे प्राइवेट वार्ड्स पेशेंट के लिए है? प्राइवेट वार्ड फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पे है। ओके, यहाँ पर जनरल वार्ड में फीमेल और मेल वार्ड अलग 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 वार्ड अलग 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 वार्ड फीमेल, दोस्तों अलग अलग वार्ड्स में आप फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो हमारी जो भी लेडीज बहनें माताएं ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं वो बिल्कुल प्राइवेसी के साथ में आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। हम आपको लेकर भी चलेंगे वार्ड में और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज वार्ड में अवेलेबल है। तो सर जो टेस्ट होते हैं यहाँ पे वो सब ग्राउंड फ्लोर पे हैं या बेसमेंट पे हैं? कौन सा? नहीं, टेस्ट जो सिटी है, सिटी तो नीचे ग्राउंड उसमें बेसमेंट में है, लैब जो है हमारा पूरा पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट और सारे दो पैथोलॉजी भी बैठते हैं, डॉक्टर मार्किन हैं, डॉक्टर गर्ग हैं और डॉक्टर एक बायोकेमिस्ट्री के लिए एक दूसरे डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट आते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे है। ठीक है जी। तो सर पेशेंट को एडमिट होने के लिए जब यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो आपके पास में एम्बुलेंस से पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल है, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है यहाँ पे। और सर यहाँ पर पेशेंट के साथ में जो लोग रहते हैं उनके लिए कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी? कैंटीन एक ग्राउंड फ्लोर पे कैंटीन है और एक सिक्स फ्लोर पे कैंटीन है। तो दो कैंटीन यहाँ पे अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर पे, सिक्स फ्लोर पे। तो पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव्स आते हैं अगर उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी।